अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। जिसके अंदर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन जो सी हमने करनी है बाहर के साथ वो किस तरह की होनी चाहिए। अब हमारी गिग तो ऑलरेडी डन हो गई है, वो रैंक भी हो गया, उसकी डिस्क्रिप्शन भी हो गया, उसकी इमेज भी हो गई है, उसकी वीडियो भी हो गई है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज के अगर मेरे पास कोई बायर आता है उसने मुझे मैसेज किया है तो मैं उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करूँगा, उसको मैसेज किस तरह करूँगा, उससे बात किस तरह करूँगा। तो दिस इज़ ऑल कमिंग अप इन दिस वीडियो। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने किस तरह उससे कम्युनिकेट करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह रखनी है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज के आपने उसके साथ बहुत ही पोलाइटली और रिस्पेक्टफुल वे के अंदर कम्युनिकेट करना है। आपने उसके साथ रिस्पॉन्सिव रहना है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि रिस्पॉन्स इज रियली इंपॉर्टेंट। आप अगर लेट रिस्पॉन्ड करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सेलर्स हैं फाइवर के ऊपर, तो डेफिनेटली वो बायर जो है वो किसी और सेलर के पास चला जाएगा। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप जल्दी से जल्दी उसको रिस्पॉन्ड करें। सेकेंड थिंग इज़ कि आपने उसको पहला मैसेज जो उनसे सेट करना है वो किस तरह का होना चाहिए। एज इट इज़ ऑन योर स्क्रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाला मैसेज, दिस इज़ द मैसेज दैट आई सेंड टू डिफरेंट बायर्स जो भी मुझे फर्स्ट मैसेज करते हैं। सो दिस इज़ माई फर्स्ट मैसेज जो कि उनको जाता है, और इसके अंदर मैंने कम्प्लीट डिटेल बताई हुई उनको, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ है, उसको बायर को कन्वे कर रहा है वॉट दिस सेलर इज़ ऑफरिंग मी। सो यू कैन यूज़ दिस एज एग्जाम्पल, आप इसको टेम्पलेट के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट आई जस्ट रिकमेंड के आप अगर अपनी नीड के हिसाब से, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से इसको अमेंड कर लें, थोड़ा सा इसको चेंज कर लें अपने हिसाब से, अपनी गिग के हिसाब से। डेफिनेटली यू आर गोना हैव अ ग्रेट मैसेज जो कि बायर को पहला मैसेज जाएगा। सेकेंड थिंग इज इसके अंदर जो सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ क्वेश्चंस उससे पूछने हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं और अंडरस्टैंड करना है कि उसका प्रोजेक्ट जो सा वो किस तरह का है, ताकि आप जितना अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे उतना अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। सो यू नीड टू आस्क अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उससे करने लग जाएं कि बायर तंग आ जाए कि यार ये तो क्वेश्चंस ही करता जा रहा है। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपने रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने हैं, उन क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, जस्ट आस्क दोज क्वेश्चंस। डोंट आस्क क्वेश्चंस कि मैं इंप्रेस करूँगा बायर को कि आई एम आस्किंग अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस एंड बायर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होगा कि ही इज़ अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट, बट दिस इज़ नॉट गोना वर्क लाइक दैट। आपने क्या करना है कि आपने उससे क्वेश्चंस पूछने हैं रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रोजेक्ट के हिसाब से, ताकि आप प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। सेकेंड थिंग इसके अंदर यह है कि आपने जो सा पहला मैसेज उसको सेंड करना है उसके अंदर कोई बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करनी। लाइक अगर मैं वीडियो एडिटर हूँ या आप ग्राफिक डिज़ाइनर है या आप कोई और राइटिंग करते हैं, यू आर द एक्सपर्ट इन योर फील्ड, और आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको पता है कि इस फील्ड के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, बट बायर को नहीं पता इन टर्मिनोलॉजीज का। तो आपने सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, ताकि बायर जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए आपके फर्स्ट मैसेज को कैसे प्रोवाइड करेगा, इसका वर्क प्लान क्या है, ये किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी, और क्या इसका एक्सपीरियंस क्या है, हाउ इज़ गोना वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, ये क्या मुझे इतना डिलीवर कर पाएगा जो मुझे चाहिए। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आपने जो सा पहला मैसेज सेंड करना है वो सिंपल होना चाहिए, बड़े कोई वोकैबुलरी नहीं उसके अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, आपने कोई टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, आपने सिंपल रहना है, प्लेन रहना है, ताकि जिस तरह आप नॉर्मली बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो आपने इस अंदाज के अंदर उससे मैसेज के अंदर बात करनी है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपने जो सा पहला मैसेज सेंड करना है दैट शुड बी रियली सिंपल, कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं होनी चाहिए, कोई हाई वर्ड जो कि समझ ना आ रहा हो वो यूज़ नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज़ गोना बी रियली क्रिएटिव। एज इट इज़ सेड के फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सो यू हैव टू मेक अ रियली गुड इंप्रेशन सो दैट के बायर आपको अंडरस्टैंड कर पाए, वो आपको समझ पाए, एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली जब वो आपको समझेगा तो आपके साथ कनेक्ट होगा, एंड आफ्टर दैट यू आर गोना वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर दैट अगर वो अच्छा आप उसको अच्छा सर्व करेंगे तो ही इज़ गोना कम बैक अगेन एंड अगेन टू यू। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि पहला मैसेज जो सा सेंड करना है दैट शुड बी रियली क्रिएटिव और अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर आपने जो सी वोकैबुलरी यूज़ करनी है या जो से भी सेंटेंसेस यूज़ करने वो कोई उनके अंदर कोई इशू नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकली कोई इशू नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग इशूज़ नहीं होने चाहिए, आप
इसके अंदर एक एक्सटेंशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन मैं यूज़ खुद करता हूँ, grammarly.com, ये गूगल के ऊपर गूगल क्रोम जो सब वेब है इनका उधर अवेलेबल है, आप इधर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसी को यूज़ करके डिफरेंट सेंटेंसेस और ग्रामर के मिस्टेक्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उनको एडिट कर सकते हैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपने जो सा पहला मैसेज सेंड करना है दैट शुड बी क्रिएटिव। सो इन द नेक्स्ट लेसन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने मैनेज किस तरह करना प्रोजेक्ट, क्विक रिस्पॉन्सेज कैसे इसको अंदर यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने क्विक रिस्पॉन्सेज की बात की हुई है, ऑलरेडी इन द फाइवर गिग जो सी गिग हमने बनाई थी उसके अंदर क्विक रिस्पॉन्सेज थे, वो हमने यूज़ किए हुए हैं। बट देर इज़ समथिंग एल्स, कस्टम ऑफर्स होती हैं, क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसके बाद आपने जो सा उसको डिलीवर करना है, कैसे करना है, टाइमलाइन किस तरह मीट करनी है। सो दिस इज़ ऑल कमिंग अप इन द नेक्स्ट सेशन जिसके अंदर आपको मैं ब्रीफ इन डिटेल बताने वाला हूँ। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़।